सो फाइनल दोस्तों, आज हमारे पास है फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच। दोस्तों इस स्मार्ट वॉच की खासियत ये है कि केवल आपको 1799 रुपए की कीमत में मिलती है, और 1799 रुपए की कीमत में यहाँ आपको SPO2 का सपोर्ट मिलते हैं, मल्टीपल स्पोर्ट मोड भी देखने को मिलते हैं, वो भी केवल 1799 रुपए की कीमत में। आज की इस वीडियो में हम लोग फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ में मैं बताऊंगा क्या ये स्मार्ट वॉच आपके लिए 1799 रुपए की कीमत में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्या आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच को कंसीडर करना चाहिए या नहीं, तो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी है, और अगर दोस्तों आपके वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, सामने की तरफ आपको फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच का नाम लिखा देखने को मिल जाते हैं, नीचे की तरफ आपको विक्की कौशल जी देखने को मिलते हैं, और दोस्तों देखा जाए तो जो बॉक्स है इसका काफी अच्छा आपको देखने को मिलते हैं। रियर साइड पर आपको कुछ इसके मेन फीचर्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ आप लोगों को स्लीप मॉनिटरिंग देखने को मिलती है, और काफी अच्छे स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आप हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं, बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगी। दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम स्मार्ट वॉच को अलग रखते हैं और देखते हैं कि जो बॉक्स है इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएगी। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर केवल आपको चार्जिंग की केबल मिलेगी, यानी कि मैग्नेटिक चार्जिंग की एक केबल आपको देखने को मिल जाएगी। मैनुअल गाइड्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बुकलेट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, दो तीन कार्ड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको गाने का और अमेजोन प्राइम का जो म्यूजिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, बट इससे अलावा आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वॉच के बिल्ट और डिजाइन से। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको मेटल की बॉडी देखने को मिल जाती है। अगर हम स्ट्रैप्स की बात करें तो दोस्तों 1799 की कीमत के हिसाब से यहाँ पर आपको काफी अच्छे स्ट्रैप देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल चीप क्वालिटी के मिलते हैं, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के मिलते हैं, बट अगर हम प्राइस को मद्देनजर रखें तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अगर हम वॉच की क्वालिटी की बात करें तो वॉच की क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि जो स्मार्ट वॉच है थोड़ी हैवी फील होती है, यानी कि ज़्यादा लाइट वेट ये नहीं है, बट ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से डिज़ाइन जस्टिफाई करते हैं। बिल्ट और डिज़ाइन यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बट गाइस नोटिस करने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर आपको किसी भी साइड कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जो वॉच होगी, जो फायरबोल्ट निंजा वॉच होगी, ये आपको बटन लेस देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको टच टू वेक का फीचर देखने को मिल जाएगा, वो भी केवल 1799 रुपये की कीमत में। तो गाइस अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो निंजा स्मार्ट वॉच पर आपको 1.3 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जिस पर आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास भी दिया गया है। 240x240 का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगर हम इंडोर की बात करें तो इंडोर में तो जो ये डिस्प्ले है काफी अच्छा वर्क करती है, बट दोस्तों आउटडोर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ब्राइटनेस कम नजर आएगी, क्योंकि दोस्तों ये आउटडोर में जाने पर थोड़ी जो इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसका मतलब आउटडोर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती है। बट दोस्तों इंडोर की बात करें तो इंडोर में ये जो डिस्प्ले होगी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। एक छोटी डिस्प्ले है, बट दोस्तों जो इसके बॉक्स पर जो डिस्प्ले दिखाई गई है वो एज टू एज दिखाई गई है, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो रियलिटी में जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो काफ़ी छोटी देखने को मिलती है, यानी कि जो एज टू एज है वो आपको देखने को नहीं मिलती है, उसके अंदर ही ये डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं निंजा वॉच पर मिलने वाली UI की। तो दोस्तों इस पर काफी सिंपल आपको UI देखने को मिल जाएगी, ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले जैसे ही आप स्क्रीन पर टच करते हो, टच करने के बाद ही आपको एक वॉच फेस देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको टाइम, बैटरी और वेदर का रिपोर्ट दिखाई देती है। और अगर दोस्तों आप इसको ऊपर की तरफ को स्क्रोल करते हो, यानी कि ऊपर की तरफ को करते हो, तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मोड, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, BP मॉनिटरिंग, SPO2 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, मैसेज, वेदर और शटर, यानी कि कैमरा शटर मिलते हैं, और सेटिंग्स देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आप लोग राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज और दोस्तों स्टेप काउंटिंग और स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिलती है, सिंपल सी UI आपको यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों इसके अंदर आपको रिस्ट वेकअप का फीचर्स देखने को मिलता है, यानी कि जैसे भी आप अपने कलाई को ऐसे करोगे तो जब भी इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, और इसके अंदर आप टाइम वगैरह देख सकते हो।
तो गाइस बात करते हैं निंजा स्मार्ट वॉच पर मिलने वाले कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको IPX7 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको वेदर रिपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। और अगर हम इसकी स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 स्पोर्ट मोड मिल जाएगी, मल्टीपल वॉच फेसेस भी देखने को मिलते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप इसके जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करते हो तो वहाँ से आप इसके जो वॉच फेसेस है उसको भी चेंज कर सकते हो, और उसके एप्लीकेशन के अंदर से ही आप अलार्म के भी सेट कर सकते हो। और इस वॉच के अंदर आपको टाइमर का भी जो फीचर है वो आपको दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फीचर्स यहाँ पर आपको काफी अच्छे दिए जाते हैं, और यहाँ पर आपको कैमरा कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम इस स्मार्ट वॉच की बैटरी की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी क्लेम करती है कि ये बैटरी आपको 5 दिन का बैटरी बैकअप देने वाली है। अगर दोस्तों आप इसके ब्राइटनेस को हाई करके रखते हो और आप इसका अंदर वर्क ज़्यादा करते हो तो मानकर चलिए कि आपको 2.5 से 3 दिन का बैटरी बैकअप देगी। अगर आप दोस्तों इससे बहुत ही कम यूज़ करते हो तो आप 4 दिन का बैटरी बैकअप इस स्मार्ट वॉच से बड़ी आसानी से ले सकते हो। और इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर ही आपको अपने व्हाट्सएप के टेलीग्राम वगैरह की सभी नोटिफिकेशन आपकी स्मार्ट वॉच के ऊपर ही आपको दिखाई देने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच पर आपको कौन कौन सी मॉनिटरिंग देखने को मिलती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिल जाएगी, बीपी मॉनिटरिंग मिलती है, और SpO2 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको 1799 रुपये की कीमत में फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच पर आपको SpO2 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% एक्यूरेटी के साथ आता है, बट मानकर चल सकते हो कि यहाँ पर आपको 95% तक एक्यूरेटी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो स्मार्ट वॉच है 1799 रुपये की कीमत में काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि लाइट वेट तो नहीं बोलूंगा, नॉर्मल वेट के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगी। स्ट्रैप की क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, और इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ईजी है, उससे इसे काफ़ी आसानी से आप लोग हैंडल कर सकते हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच के कुछ कॉन्स की। तो गाइस सबसे बड़ा जो इसका अंदर कॉन्स है, जैसे कि दोस्तों आप इस स्मार्ट वॉच को अपने कलाई के ऊपर बांधते हो तो इस पर बताया गया है कि रिस्ट वेक अप, यानी कि जैसे ही आप स्मार्ट वॉच को ऐसे करोगे तो एकदम से यहाँ पर आपको टाइम शो होगा। लेकिन दोस्तों बहुत बार ये फेल होती है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपनी कलाई को ऐसे करते हैं तो ये ऑन नहीं होती है, तो कभी कभी ऑन होती है। मानकर चलिए कि 10 में से 6 टाइम ये ऑन होती है और 4 टाइम ये ऑन नहीं होती है। तो इसके अंदर मुझे कौन सा लगा है, और जो इसका सेकंड कौन है वो इसका IPX7 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग। एटलीस्ट गाइस यहाँ पर आपको IPX8 या IP67 की वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग देखने को मिलने चाहिए थी। वैसे दोस्तों प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करती है अगर आपको एक स्मार्ट वॉच बाई करने है वो भी कम प्राइस के अंदर, तो बेशक होकर आप इस स्मार्ट वॉच को बाई कर सकते हो। डेली यूजेज में आपको काफ़ी अच्छा वर्क करके देने वाली है, यानी कि रनिंग वगैरह स्टेप वगैरह काफ़ी अच्छे से काउंट आप लोगों को करके देने वाली है। और आपको एक स्मार्ट वॉच चाहिए तो नो डाउट गाइस इस स्मार्ट वॉच की तरफ आप लोग जा सकते हो। ये स्मार्ट वॉच 1799 रुपये की कीमत में मेरे हिसाब से जस्टिफाई करती है, क्योंकि दोस्तों 1799 रुपये की कीमत में आपको SpO2 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और डिज़ाइन भी मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम प्राइस को मद्देनजर रखें तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले समय में इस स्मार्ट वॉच का मैं फुल रिव्यू लेने वाला हूँ आफ्टर 10 डेज के बाद, और आपको कम्प्लीटली बता दूंगा कि ये स्मार्ट वॉच आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। फर्स्ट लुक में मेरे हिसाब से एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कम प्राइस में आती है, कम प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए। और दोस्तों इस स्मार्ट वॉच की जो बेस्ट बाइंग लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगली